subscribe our channel and press the bell icon for more update. हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे शुरू वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सीमेंट कैप्सूल के साथ जाम किए गए रूफ बोल्ट का न्यूनतम भार वाहित सामर्थ्य एंकरेज टेस्टिंग का स्ट्रेंथ जाम करने के 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 3 टन, ऑप्शन बी है 5 टन, ऑप्शन सी है 8 टन, ऑप्शन डी है 10 टन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 टन। रूफ बोल्ट जो है आधे घंटे के बाद 5 टन लोड लेता है। अगला क्वेश्चन है, किसी रूफ बोल्ट का कितने दिन के लिए वेदरेबिलिटी तथा एक्सेलरेटेड वेदरिंग टेस्ट AWT किया जाएगा तथा कोई क्षय नहीं होने पर उसे पास माना जाएगा। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी है 20 दिन और ऑप्शन डी है 15 दिन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 दिन। अगला क्वेश्चन है, एयरबॉर्न डस्ट के सर्वे के लिए नियुक्त सर्वे प्रभारी की न्यूनतम क्वालिफिकेशन कितनी होगी। ऑप्शन ए है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी ओवरमैन सर्टिफिकेट। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओवरमैन सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉल के गेट रोड में किस तरह का स्टोन डस्ट बैरियर लगाया जाएगा। ऑप्शन ए है हेवी टाइप बैरियर, ऑप्शन बी लाइट टाइप बैरियर, ऑप्शन सी नॉन रिक्वायर्ड एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त दोनों तरह का बैरियर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों तरह का बैरियर। अगला क्वेश्चन है, खान के वैसे प्रत्येक भाग में जहां व्यक्ति काम करते हो या गुजरते हो ऑक्सीजन की न्यूनतम प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 19%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 17.5% और ऑप्शन डी है 17%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 19%। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।